हे गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज 31st है, न्यू ईयर है आज। तो गाइस, मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए आज मैं थोड़ी सी लेट उठती, बट लेट उठती हूँ बट आज थोड़ा सा लाली हो गया। तो गाइस, आज 31st है, सबको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और आज मेरा पार्सल आ गया है, तो अब हम पार्सल लेने जाने वाले हैं। तो सोचो चलते चलते आपको भी दिखा दूँ गाइस, और चलो आइए। शॉपिंग बाकी थी तो मैं शॉपिंग करने आई हूँ कोपर गांव में, जिसकी सबको पता है मैं कोपर गांव में रहती हूँ। बट हमारा गांव इतना भी बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और यहाँ पे इजीली सामान मिल जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। मैं शॉप में आ गई हूँ, हम लिपस्टिक देख रहे हैं। तो हमेशा से मैं डार्क कलर यूज़ करती हूँ, बट तो मुझे इस बार थोड़ा सा पेंट कलर चाहिए, तो मैंने ये कलर सिलेक्ट किया। मैं सिलेक्ट नहीं किया, पर अभी देख लूँ इसका कलर कैसा है। तो मैं इस देख सकती हूँ इतना सारा सामान यहाँ पे है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ इतना ही सामान होता है, इससे भी ज़्यादा होता है। और अभी हम यहाँ पे इयररिंग चूज़ कर रहे हैं। मैंने इयररिंग निकाली है, अच्छी लगी। और अभी मम्मा की भी वाओ, कितना प्यारा कलेक्शन है यहाँ पे, देख सकते हैं। और भी बहुत वेराइटीज है, बट मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं ऐसी जो अटकाने वाले होते हैं ना, वही पहनती हूँ। मैं जो फिट वाले वही पहनती हूँ, तो इसलिए वही चूज कर रहे हैं। जैसे चूज कर इतने देर से आए, बट अभी तक सिर्फ इतनी शॉपिंग हो पाई, मतलब फाइनली हो गई है, बट इतने देर से आए तो ये इतनी हमें करनी लिए। हमारी शॉपिंग हो गई है और अभी हमें शिरडी के लिए जाना है। हम ये प्लान अभी हम शिरडी में करने वाले हैं, बट देर हो गई है। बट हमारी जो स्कूटी है वो हमें सही समय पर पहुंचा देगी, वो भी बहुत जल्दी। तो चलिए गाइस, तब मिलते हैं। ये देखिए मेरी मॉम, हाय हाय। ओह फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे घर। और अभी आप बोलोगे कि हाउस टूर दिखाओ, हाउस टूर दिखाओ। तो गाइस, मैं कोशिश करूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं हाउस टूर दिखा पाऊँ। तो बाय। गाइस फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी हम जाने वाले हैं डिनर की तरफ। मतलब आज का दिन हमारा बाहर होने वाला है, और आज तो न्यू ईयर, तो इसलिए हमने प्लान बनाया कि चलो यार आज चलते बाहर डिनर के लिए। सो आज मैं आई हूँ दादा दादी के घर, और हम शिरडी में है अभी। तो अभी हम होटल में जाने वाले हैं डिनर करने के लिए, और हो सके तो मैं मंदिर भी दिखाने वाली हूँ। और ये मेरे दादा है, और यहाँ पे मेरी दादी है। तो मैं सी गाइस,
हाय हाय मेरे YouTube फैमिली को हाय कीजिए। तो ये मेरे दादाजी हैं, तो ये मेरे दादाजी और ये मेरे मामा जी हैं। सो हम सब फैमिली मिलके जाने वाले हैं, तो आपको भी दिखाऊंगी मैं कि कैसा होता है हमारा आज का डिनर। और ये हैप्पी न्यू ईयर का मेरा व्लॉग, और दिस इज माय फादर। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ हमारा एंजॉय करने के लिए डोमिनोज में। जैसे कि मैं मंदिर के बिल्कुल सामने हूँ, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं जब भी जाऊँगी पार्टी करने तो आपको थोड़ा सा सीन तो जरूर दिखाऊंगी। गाइस देख सकते हो मंदिर के मैं बिल्कुल सामने हूँ। और गाइस यहाँ पर बहुत बड़ी साईं बाबा की मूर्ति है, आपको दिखाती हूँ मैं, बहुत बड़ी है। सी गाइस देख सकते हो आप, वाव। चलो गाइस अंदर चलते हैं। गाइस अभी हम जाने वाले डोमिनोज से, देखिए कि आज मुझे पिज्जा खाने का मन हुआ है, मुझे जाने वाले तो सोचा आपको भी दिखा दूं, और आज तो पार्टी में मिल गया। चलो जाना है, तो यहाँ पे ही है डिनर का भी, थोड़ी दूरी पे है, तो जल्दी जाते हैं और देखते हैं।
प्यारी प्यारी लाइटिंग लगाई हुई है, पूरा सजा के रखा है सब कुछ। गाइस ये साल का आखिरी दिन है और एक बार मैं आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, लगे मेरी 10 मिलियन की फैमिली भी अभी थोड़ी देर में कंप्लीट भी होने वाली है। गाइस स्नैक वीडियो में तो आपने इतना प्यार दिया, यूट्यूब पे इतना प्यार दिया, इंस्टाग्राम पे लगभग आपने 3-4 आईडी को मेरे फॉलो भी कर दिया, एंड इसलिए थैंक यू सो मच। और राशि के यूट्यूब पे 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, तो इसलिए थैंक यू सभी का। और जो साल गया था उस साल में राशि तो बहुत वायरल हुई, पर कोरोना की वजह से बहुत ही दिक्कत हुई है गाइस। तो प्लीज़ ऐसा ही प्यार और सपोर्ट रखिए। और आज का ब्लॉग राशि एंड करना है बेटा, तो आज थोड़ी देर में बातें एंड करेंगे। बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मस्ती की, पर गाइज आई होप आपको भी मजा आया होगा। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, और हाँ आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय 2020।